यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर कल्पा है। कल्पा किन्नौर जिले का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। पू से थोड़ा सा शिमला की ओर निकलते ही एक कैमरा लगा हुआ, स्पीड का कैमरा। वो ऊपर दिखाई दे रहा आपको, ये पांडव किला है। हम आ गए हैं मंदिर, कौन से? कल्पा के सुप्रसिद्ध मंदिर नारायण नागनी मंदिर। ये लिखा आई लव किन्नौर। कल्पा के पास अभी मैं पहुंचा हूं और ये रास्ता जा रहा है रोधी गांव को। कल्पा से रोधी के बीच में पड़ता है एक सुसाइड पॉइंट। यहां पर बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। सुसाइड पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि यहां पे पिछले मतलब कई सालों से, 8-10 सालों से काफी ज्यादा, ये पॉइंट ऐसा खतरनाक पॉइंट है जो इंसान को अट्रैक्ट करता है और वहाँ इंसान अपने होश खो बैठता है। अब जा रहे हैं हम सांगला चितकुल की ओर और देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। आज का स्टे चितकुल में होगा। मैं लोकल तो यहीं के ऊपर, मुझे नहीं पता। एक घंटे का सफर बाकी है, 25 किलोमीटर की दूरी, और हम यहाँ पर चाय के लिए रुके हैं सभी साथी। Geo India. यहाँ पर स्पीति रिवर खत्म हो रही है और यहीं से स्पीति वैली भी खत्म हो रही है। पोस्ट पूस और खाव के बीच में और ये सतलुज नदी। एक बात और नोट की, पू से थोड़ा सा शिमला की ओर निकलते ही एक कैमरा लगा हुआ, स्पीड का कैमरा हो, तो जो भी साथी इधर से आ रहे हैं उस कैमरे का ध्यान रखें। हर इशारा नया नया है, कौन जाने है सवेरा कहाँ। जिंदगी का सफर अजनबी। कल्पा से थोड़ा सा पहले है, लगभग 40 किलोमीटर दूर रहेगा कल्पा, और गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मास्क जरूरी है क्योंकि कोरोना भी गया नहीं, बी केयरफुल। हर शहर हर डगर अजनबी अजनबी। ये सतलुज नदी बह रही है और यहीं से एक सस्पेंशन ब्रिज था, उस ब्रिज से मुरंग के लिए रास्ता जाता है। ये मुरंग भी एक तहसील हेडक्वार्टर है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। ये पीछे मुरंग है और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा आपको, ये पांडव किला है। इसका संबंध महाभारत काल से है। हम इस पॉइंट को स्किप करके आगे कल्पा की तरफ बढ़ रहे हैं। यदा हि धर्मस्य। अभी हम
कल्पा रिकोंगपियो के मोड़ आ गए हैं हाईवे के ऊपर। यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर कल्पा है। कल्पा किन्नौर जिले का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो अब रिकोंगपियो बना दिया गया है। लिखा हुआ है रिकोंगपियो 6 किलोमीटर, कल्पा 17 किलोमीटर। पहले रिकोंगपियो आएगा, उसके बाद कल्पा आएगा। कल्पा में सबसे पहले नारायण नागनी मंदिर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे फिर आगे कहाँ जाएंगे। और बाकी तीन साथी अभी उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा। ये नेशनल हाईवे 5 था, यहीं से रास्ता लग रहा है और ये नेशनल हाईवे नंबर 505A बन गया, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जा रहा है हाईवे से अलग होकर। ए भाई देख के चलो, दाएं ही नहीं बाएं बे भाई। हम आ गए हैं मंदिर, कौन से, कल्पा के सुप्रसिद्ध मंदिर नारायण नागनी मंदिर। पैदल का ट्रैक छोटा सा, पीछे हमने बाइक पार्क की है। वैसे जो कल्पा है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का पुराना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, जो अब रिकोंगपियो हो गया है। इसकी हाइट रिकोंगपियो से काफ़ी ज़्यादा है और जो एक ऊंचे पहाड़ पर बसा हुआ है। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। तो ये तुम्हारा समस्या है। एक कोने में खड़ा हो गया, देखो शिवलिंग पूरा दिखाई दे रहा है। ये साल में कितने दिन के लिए खुलता है? कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। ये कौन से महीने? सावन महीने में खुलता है। सावन का 15 यानी कि सावन की अमावस, अमावस 15 दिन के लिए, बस 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए खुलते हैं। उससे पहले और बाद में क्यों नहीं खुलते? नहीं देते, कोई रीजन तो खतरा है ना, पत्थर गिरते हैं, आदमी मर जाते हैं। तो जैसे ये 15 दिन के लिए खुलता है, उस टाइम पे गवर्नमेंट कुछ सुविधा देती है? देती है। क्या क्या सुविधा देती है? आपका सारी जगह अपना फौजी लगा कैंप होते हैं। तो अकेले बंदे जा नहीं सकते, उसके लिए गाइड लेके भी जाना जरूरी होगा? नहीं, अकेला भी जा सकते हैं, जाते यात्री जाते। तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है? पहले परमिशन कुछ नहीं मिलता, उस टाइम आप यात्री जा सकते। कितनी जनसंख्या टोटल? आप यहाँ से नहीं हो, लोकल नहीं हो? कहाँ से हो आप? मैं लोकल तो यहीं की हूं, पर मुझे नहीं पता कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? जिंदगी की तलाश में हम, मौत के कितने पार गए। ये किन्नौर का सुसाइड पॉइंट, इसलिए लिखा आई लव किन्नौर। सुसाइड पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे पिछले मतलब कई सालों से, 8-10 सालों से काफ़ी ज़्यादा बार पार्टी फूटी होती है, कुछ होता है। यहाँ पे रेलिंग भी नहीं होती थी, अभी 8-6 महीने हो रहे हैं तब से ये रेलिंग वगैरह लगी है। नहीं तो इसके एज पर जाके बैठते थे, कई बार गलती से गिर जाते थे, कई बार घास होनी हो जाती, कुछ हो जाता था तो लड़ाई हो जाती थी, यहाँ से गिर जाते थे। तो धीरे धीरे जैसे लोकल उसमें फेमस होता गया, वहाँ से सुसाइड करते। तो कल्पा के पास अभी मैं पहुंचा हूं और ये रास्ता जा रहा है रोधी गांव को। रोधी गांव यहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और उसी के बीच में, यानी कल्पा से रोधी के बीच में पड़ता है एक सुसाइड पॉइंट। यहां पर बहुत सारे हादसे हो चुके हैं और कुछ हादसे हैं और कुछ सुसाइड है, लेकिन ये पॉइंट ऐसा खतरनाक पॉइंट है जो इंसान को अट्रैक्ट करता है और वहां इंसान अपने होश खो बैठता है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत गहरी है। ये समझ लो वेरी डीप चार्ज, बहुत ही गहरा गर्त है नीचे। मैं तो डर गई। यहाँ पे सब शांति शांति है। मेरे साथ
सभी साथी शायद वहीं से वापस जा रहे हैं। मैं यहाँ इस पॉइंट को देखने के लिए आया था, मैं भी चल रहा हूँ। अब जा रहे हैं हम सांगला चितकुल की ओर और देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। आज का स्टे चितकुल में होगा। अभी हम सांगला पहुंचे हैं और 7:30 बज चुके हैं। 1 घंटे का सफर बाकी है, 25 किलोमीटर की दूरी, और हम यहां पर चाय के लिए रुके हैं। सभी साथी, 3 साथी आगे गए हुए हैं, वे हमारे लिए रूम बुक कर देंगे, फिर हम वहीं रुकेंगे। तो अंधेरा होने वाला है, हो चुका लगभग, तो अब आपसे रूबरू होंगे कल या फिर चितकुल पहुंचकर। तब तक बाय बाय। जिंदगी दो पल